हार्वेस्टिंग का काम, कटाई का काम चल रहा है, फसल की कटाई का काम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग को, एपीसी साहब को और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि किसानों को हार्वेस्टिंग के लिए आवागमन में कोई असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय प्रशासन नियमों में सरलीकरण करके किसानों को सहायता दे, ये महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि फसलों के प्रोक्योरमेंट यानी उनके क्रय में मंडी की व्यवस्था को और सुचारू बनाया जाए। हर हालत में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जरूर उनको मिल जाए। MSP के माध्यम से यदि वैकल्पिक क्रय गांव में या खेत पर ही किसान के उपज से अगर खरीद लिया जाता है तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और उन्होंने आज ये निर्देश दिया है कि इसके संदर्भ में यदि कृषि और मंडी विभाग के नियमों में कोई परिवर्तन करना तो कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, यानी फूड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज यदि गांव में जाकर खरीद कर सकती है और MSP वो किसानों को दे रही हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा, उनको अनुमति भी दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। लगभग 30-40% फसल की कटाई अब करीब करीब, जो कृषि विभाग ने कल मुझे बताया है, वो पूरी हो गई है और कृषि विभाग जोर शोर से लगा है कि फील्ड में जिलाधिकारियों के माध्यम से, विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के माध्यम से किसानों की फसलों की कटाई में कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ उनको मंडी में अगर लाना है तो मंडी में लाने में अब दिक्कत ना हो, मंडी के क्रय की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। और उसके साथ साथ यदि गांव में खेत पर भी किसान का खरीद अगर होनी है तो एजेंसी यदि खरीदती है तो उनको भी अनुमति दी जाए। एक महत्वपूर्ण निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जो आज बैठक की थी टीम 11 में, उसमें साथ साथ उन्होंने ये निर्देश सभी शिक्षा विभाग के जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स को दिया है, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रमुख सचिव टेक्निकल एजुकेशन, प्रमुख सचिव वोकेशनल एजुकेशन और इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के भी प्रमुख सचिव को ये निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा में भी जो शिक्षा है और नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए भी जो शिक्षा है, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को व्यवस्थित और बृहद रूप से जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। उन्होंने जो निर्देश दिया है उस क्रम में मुझे जो बताया है उदाहरण के रूप में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा कि CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर है और उसने जो है अब तक कोर्स कंटेंट 225 कोर्सेज का शुरू कर दिया है और वेबिनार यानी वेब ट्रेनिंग के माध्यम से 2 कोर्सेज टीचर्स के चलाए हैं और ऑनलाइन मटेरियल लगभग 4000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराए हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट मीट के माध्यम से, गूगल क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन लिंक्स जो UGC या MHRD ने प्रोवाइड किए हैं उनके माध्यम से और NPTEL की माध्यम से जो है ये उन्होंने जो है व्यवस्था की है। और ई टाइम टेबल, पहली बार जो है ई लर्निंग के लिए ई टाइम टेबल भी स्टूडेंट्स का बनाया गया है जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है। तो जिस प्रकार चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो ये है, इसने जो कार्य किया है, इसी प्रकार सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देशित कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन शिक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है और इस काम को टेकअप किया गया है। जैसा मैंने अभी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को यह अवगत कराया है कि ऑनलाइन व्यवस्था में लगभग लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने काम शुरू कर दिया है। अनेक विषयों पर ई कंटेंट तैयार करके उनको निरंतर अपलोड किया जा रहा है और विद्यार्थी अपने घर पर ही आसानी से एक्सेस करके उच्च कोटि की शिक्षा भी अब
ले सकेंगे, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज कंटेंट होगा, अच्छे जो टीचर्स होंगे उनका जो है सॉफ्ट कंटेंट होगा, तो ऐसे में निश्चय ही इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, वेबिनार भी जो है किया गया है, और इस प्रकार लॉकडाउन की अवधि में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो और घर पर ही उनके सेमेस्टर की अवशेष पढ़ाई भी पूरी की जा सके। विद्यार्थियों के परीक्षा और शिक्षा संबंधी जो उनपे जो एक प्रेशर बनता है वो भी ये ऑनलाइन व्यवस्था से दूर की जा सकती है, और ऑनलाइन व्यवस्था में स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी की जा रही है। यदि कोई स्टूडेंट्स जो है परेशान है या उनको कोई ऑनलाइन काउंसलिंग की जरूरत है तो ये काउंसलिंग भी दी जा रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं, एक कृषि विभाग के संदर्भ में, एक हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में, जो ऑनलाइन शिक्षा और पूरे कोर्सेज को कंप्लीट करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया। आगे आप सबको मालूम है कि अगले सप्ताह में या इसी सप्ताह में जो है कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी है, कुछ बड़ी जयंती भी है, और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सबको मालूम है जो है 14 अप्रैल को जो है अलग अलग जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे में जो निर्देश ये भी है शासन के, और इसकी भी समीक्षा की गई है, और काफी सहयोग धर्म गुरुओं का और सभी लोगों का मिला है, और अंबेडकर जयंती पर भी बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि अंबेडकर जयंती भी घर पर लोग मनाएं। ये एक जो है सुझाव भी सरकार का और ये प्रस्ताव भी सरकार का है, और इसमें भी बहुत अधिक जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं भी लोग इकट्ठा ना हो, तो इसका भी एक निर्देश सभी जनपदों में जाए, लोगों का जन सहयोग लिया जाए। जो अब 14 तारीख को विशेष रूप से जो अलग अलग कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं वो भी लोग घर में मनाएं, तो उसको अभी निर्देश सबको गया हुआ है। इसके साथ साथ एक निर्देश मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, आरोग्य सेतु ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। आरोग्य सेतु ऐप में काफी मात्रा में लोग जो है उससे जुड़ रहे हैं, और आरोग्य सेतु ऐप ऐसा है जो संक्रमण से बचने और स्वयं को बचाने के लिए जो है एक ऐप है, जिससे बहुत अधिक लोगों को आगे चलकर जो है दूरी बनाए जाने के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने में भी लाभ मिलेगा। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं, और काफी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेटों को और सप्लाई डिपार्टमेंट को और आपूर्ति विभाग को दिया है कि जहां भी कार्रवाई किसी दुकान के विरुद्ध करें तो वैकल्पिक व्यवस्था, अगल बगल से जो भी वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत वो भी व्यवस्था हो जाए, जिससे किसी भी गाँव में लोगों को आपूर्ति में बाधा न हो। अवैध शराब की शिकायत एक जगह से आज आई है, ये भी निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब का 3 दिन का अभियान चलाया जाए। कुछ जगहों पर, कई जगह पर ये शिकायतें मिली है अवैध शराब की, कि उस पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये गन्ना विभाग के माध्यम से आपको मालूम है कि विशेष रूप से सैनिटाइजर की आपूर्ति अब 70 कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। प्रमुख सचिव गन्ना ने यह भी बताया है कि सैनिटाइजर की काफी मात्रा, लगभग 1,50,000 लीटर सैनिटाइजर प्रतिदिन उत्पादन अब हो रहा है, और अब तक लगभग 11,00,000 लीटर सैनिटाइजर प्रदेश में उत्पादित होकर वो लोगों में बांटा गया है, और इसी के माध्यम से 6,70,000 मार्केट से बिक भी गया है। वर्तमान में लगभग 9,75,000 लीटर सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध है। तो जो हमारे चीनी मिल और डिस्टिलरीज हैं, उन्होंने अल्कोहल जो उपलब्ध था वो सैनिटाइजर में जहां उपलब्ध कराया, तो बहुत अधिक मात्रा में जो है इसका भी काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो हमारी चीनी मिल हैं, उन सभी चीनी मिलों के माध्यम से हर हालत में उनके पास चूंकि फायर की मशीन है, स्प्रेइंग की मशीन है, वो निकटवर्ती जो अपने नगर निकाय हैं या गांव है वहां स्प्रे की व्यवस्था सुनिश्चित करें, तो इससे वो चीनी मिल जो है अपना सहयोग दे सकती हैं। ये कार्य का निर्देश भी कल मुख्यमंत्री जी ने दिया है,
और ये काम भी जो है चीनी विभाग ने और हमारी चीनी मिलों ने करना शुरू कर दिया। इसमें भी व्यापक रूप से सफलता मिल गई। गृह भाग के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 15,378 FIR दर्ज करके 48,503 लोगों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि जो लोगों को जिनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं उनको हम मुचलके पर छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक किसी को हम जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर कर दे रहे हैं। अब तक जो है जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको मुचलके पर छोड़ा भी गया। अब तक कुल मिलाकर जो है 2144 वाहनों को सीज किया गया है और 6,31,00,000 रुपया जो है चेकिंग से शमन शुल्क से जो है धनराशि जमा की गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी में 484 जो है लोगों के खिलाफ 385 FIR अब तक दर्ज कर दी गई है। 484 लोगों के खिलाफ 385 FIR दर्ज की गई है। 385 FIR और 484 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। फेक न्यूज़ के हमें अब काफ़ी संख्या में मामले 201 आए हैं। हम साइबर सेल से उनको जांच कराने के लिए निर्देश हमने दिया है। अब तक जो 12 अप्रैल के जो सूचना मिली है हमको, कल 46 मामले कल में आए हैं, जिसमें फेसबुक के 2, टिकटॉक के 3 और ट्विटर के 41 मामले आए हैं। हॉटस्पॉट्स के बारे में हम बताना चाहेंगे, चूँकि मीडिया में भी काफ़ी डिटेल में यह आया है और आपको मालूम है कि यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हॉटस्पॉट मॉडल है ये अनुकरणीय है। आपके मीडिया में भी इसका पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉडल और मजबूती से और सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो, हर घर में व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाए। 15 जनपदों में अब तक 133 हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 95 थानों में जो है 157,635 मकान चिन्हित किए गए और कुल मिला के इनमें अब 10,61,000 लोग हैं। और इन 15 जनपदों के हॉटस्पॉट्स में 342 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको 2,986 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में डाला गया है। मकानों की संख्या है 1,57,665, व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,61,000 हो गई जी। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि द्वितीय चरण में जनपदों में डीएम्स ने अपने आप जहां जहां उनके केसेस निकले उनको हॉटस्पॉट्स बनाया है और जिलाधिकारियों ने जो अपने स्तर पर बनाया है, लगभग 25 जनपदों में 59 हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत 44 थाने आ रहे हैं और 1,43,000 मकान हैं और लगभग 9,00,000 व्यक्ति इनमें चिन्हित किए और इन क्षेत्रों में भी 75 कोरोना पॉजिटिव के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। यानी 342 और 75 अगर हम जोड़ दें तो लगभग 80% से अधिक केसेस इन हॉटस्पॉट्स के विदिन हैं। तो जो यूपी मॉडल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का योगी मॉडल है, वो मॉडल यही है कि जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं, उनको हर हालत में इंसर्कल करके, उनकी अच्छी व्यवस्था करके, घर घर जाकर उनमें एक एक व्यक्ति का अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको तुरंत चिन्हित करना, उसको मेडिकल सुविधा देना, वहाँ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, डोर टू डोर डिलीवरी सुनिश्चित करना और वहाँ 14 डेज पूरा निकाल देना जिससे कि किसको स्प्रेड ना हो। इसका जो है, इसी को जो है हम कहते हैं योगी मॉडल है, यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो तबलीगी जमात के अंतर्गत लोग पाए गए थे उनका क्वारंटाइन की व्यवस्था काफ़ी मजबूती से की जा रही है और पूरे प्रदेश में जो विदेशी तबलीगी थे उनको भी प्रॉपरली क्वारंटाइन करके उनका भी जो है मेडिकल व्यवस्था उनकी की जा रही है। कई FIR जरूर दर्ज कर दी गई हैं क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है और लगभग 259 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए हैं। जो उत्तर प्रदेश का सप्लाई का मॉडल है, ये भी पूरे देश का सबसे बड़ा वर्किंग मॉडल है। देश में इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोगों को डोर टू डोर मॉनिटरिंग जो है वो भी ऐप के माध्यम से भी, आप लोग भी कोशिश करिए, ऐप का यूज़ करिए, आप अपने घर पे ट्राई करिए, आपको ऐप के माध्यम से जो है जो सुविधा आप मांगेंगे वो मिल जाएगी। फल सब्जी के अब तक 1385 मोबाइल वैन
लगाए गए हैं मोटर चलित, और 28,830 ठेला गाड़ी हाथ चलित लगाई गई है। कुल मिलाकर 42,715 लगाई गई है। इसके साथ साथ 51,94,000 लीटर दूध उपार्जन हो चुका है कल, और 33,72,000 दूध का वितरण किया गया। साथ साथ जो है डोर टू डोर दूध पहुंचाने वाले अब 19,688 हैं। कुछ मीडिया में इन संख्या पर भी लोगों ने बिंदु उठाए हैं, तो ये बिंदु प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। कुछ दिन ये बढ़ सकता है, कुछ दिन घट सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर दिन ये बढ़े। किराना स्टोर्स में 21,359 किराना स्टोर्स के माध्यम से 49,026 यानी 49,026 होम डिलीवरी की सहायता भी दी जा रही है। ये भी पूरे देश का सबसे बड़ा जो है अभियान है, और मैं समझता हूँ कि इस अभियान को आगे चूंकि व्यवस्था बनाए रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को दूर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसको जारी रखा जाएगा। अब तक जो है लगभग प्रदेश में प्रचलित 303,56,00,000 राशन कार्डों में, जो कल तक की सूचना आई है, 2,78,00,000 राशन कार्डों पर वितरण हो चुका है, यानी 80% राशन का वितरण भी हो गया है। प्रदेश में 1975 धार्मिक स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कल 7,59,000 फूड पैकेट तैयार हुए, और जिला प्रशासन के 908 केंद्रों के माध्यम से 4,67,000 फूड पैकेट तैयार हुए, यानी कुल मिला के 12,26,000 फूड पैकेट तैयार हुए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, फूड पैकेट की व्यवस्था में कल DGP साहब ने और गृह विभाग से भी निर्देश दिए गए, लोग अपने बिना अनुमति के कोई फूड पैकेट बांटने की व्यवस्था ना करें। कुछ जगहों पर शिकायत भी आई है, कुछ जगहों पर लोग जानबूझकर गड़बड़ी भी कर सकते हैं, तो जो भी जहां भी है वो फूड पैकेट ऐसे निर्धारित स्थान से ही लें जो निर्धारित हों, और जिला प्रशासन, पुलिस का, लोकल नगर निगम का, जो भी सरकारी अधिकारी लगाए गए हैं उनका जरूर सहयोग लें। अगर कोई संस्था बांटना चाहती है उनसे तुरंत सहयोग लेने के लिए निर्देश दे दिए गए। हॉटस्पॉट्स पर जो है खाद्यान्न का वितरण भी तेजी से अब हुआ है, और हॉटस्पॉट्स पर शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन अब 1,085 जो है डोरस्टेप डिलीवरी के मिल्क बूथ, मिल्क वैन किए गए हैं। डोरस्टेप डिलीवरी के लिए 1,805 वाहन भी लगाए गए हैं। डोरस्टेप डिलीवरी के लिए 1,447 प्रोविजन स्टोर्स को भी लगाया गया है, और काफ़ी मात्रा में वहाँ जो राशन कार्ड है उनका भी वितरण किया गया है। मंडी के संदर्भ में आपको हमने बताया, उद्योग भाग के माध्यम से अब हम बता दें आपको कि कुल मिला के 30,328 इकाइयों को 406 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान कर दिया गया। सबसे बड़ा कार्यक्रम वेतन भुगतान का भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हुआ है, और ये बहुत बड़ा काम हुआ है, और उसी का इसी आधार पर पूरे देश में अन्य प्रदेशों ने भी इसको लागू किया है। तो 30,328 इकाइयों से बातचीत करके उद्योग विभाग ने और IITC महोदय की कमिटी ने लगभग 406.55 करोड़ का वेतन बांटा है। बड़ी उपलब्धि है, और इसको आगे और ले जाना चाहिए। ये सहयोग आगे उद्योग का मिलता रहे, ये कमेटी भी इसको आगे ले जा रही। जो बंद उद्योग थे उनको भी चालू किया गया है। 5,281 इकाइयों को बंद जो थी चालू की गई है। अब तक जो है कुल मिला के 12,41,000 श्रमिकों को 124 करोड़ रुपए 1,000 रुपए की दर से भी बांट दिया गया है, और साथ साथ नगरीय क्षेत्रों के 4,40,000, ग्रामीण क्षेत्रों के 3,89,000 लोगों को, निराश्रितों को 1,000 रुपया दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो आटा मिल है और जो फ्लोर मिल है 905 उनको चालू किया गया है, और जैसा अभी हमने आपको बताया, यदि ये आटा मिल या फ्लोर मिल अपना गेहूं सीधे किसान से खरीदना चाहेंगे तो ऐसी व्यवस्था भी अब कर दी जाएगी। ये एक बड़ा परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आज हुआ है कि जहां भी अगर किसान से, खेत से, गांव से लेना है तो ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन MSP पर हो, MSP से नीचे ना हो, MSP के ऊपर हो सकता है। तेल मिलों का आपको मालूम है 419 तेल मिल चालू कर दी गई है, 235 दाल मिल चालू कर दी गई है, और लगभग 90% प्लस से ज्यादा तेल जो तिलहन है और दलहन की फसलों का जो हार्वेस्टिंग भी हो गई, तो ये काम भी जो है बहुत अच्छा हो गया है। राजस्व विभाग ने अपने आश्रय स्थलों पर 5,241 आश्रय स्थलों पर
125,900 लोगों को लगभग लगाया है। राजस्व विभाग की हेल्पलाइन पर भी अब काफी मात्रा में कॉल्स आ रही हैं, और आश्रय स्थलों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां एक अच्छी व्यवस्था हो, वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, लोगों की स्वास्थ्य चेकिंग हो, वहां पर भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, जरूरत पड़े तो वहां मनोरंजन का टीवी भी, बहुत जगह सीएसआर में टीवी मिले हैं, उनकी भी व्यवस्था कर दी गई है। तो इसका भी प्रभाव जो है पड़ा है, और उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। मैं पुनः इस अवसर पर आज इस प्रेस में जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश के कृषकों के लिए, किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है, इसमें और विस्तृत विवरण हम अपने प्रेस नोट में दे देंगे। जो प्रदेश के छात्र हैं, ऑनलाइन जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उस पर भी और डिटेल होगा, हम आपको अपने प्रेस नोट में दे देंगे। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव चिकित्सा अब अपना डिटेल उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। प्रदेश में आज तक कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या 480 है, 480। इनमें से 45 मरीज अब तक पूर्णतः उपचारित होकर वापस घर जा चुके हैं, जिसमें 10 आगरा के, 5 गाजियाबाद, 12 गौतम बुद्ध नगर, 5 लखनऊ, 1 कानपुर, 1 शामली, 1 पीलीभीत, 1 लखीमपुर खीरी और 9 मेरठ के हैं।